हाय दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं मंजीत सिंह और आपका टारगेट स्टडी पॉइंट में बहुत बहुत स्वागत है। अभी हम लोग इस समय आरसीसी के क्वेश्चन लगा रहे हैं और कुछ क्वेश्चन बचे हुए हैं। अभी काफ़ी क्वेश्चन लगा चुके हैं, ठीक है दोस्तों। अगर आपने इससे पहले आरसीसी का अगर लेक्चर नहीं देखा हुआ है तो उस वीडियो को आप ज़रूर देख लेंगे, क्योंकि मैं बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन लगवा चुका हूँ, ठीक है दोस्तों। तो चलिए आज फिर एक नया क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन देखो है, फाइंड द एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस ऑफ बीम शोन इन फिगर। यानी फिगर जो है क्वेश्चन में ही दिया गया है और आपको एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस फाइंड करना है। क्या निकालना है आपको? एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस। देखिए, न्यूट्रल एक्सिस दो टाइप का होता है, एक होता है क्रिटिकल और दूसरा होता है एक्चुअल। यहाँ पर क्रिटिकल नहीं पूछा गया है, केवल एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस पूछा गया है, तो हम केवल एक्चुअल निकालेंगे यहाँ पर। और इस क्वेश्चन में फिगर आपको दिया गया है, ठीक है। देखिए, हमें एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस का फॉर्मूला मालूम है। फॉर्मूला क्या होता है देखिए, फॉर्मूला होता है बी एक्स स्क्वायर अपॉन टू इज इक्वल टू एम ए एस टी डी माइनस एक्स। ये फॉर्मूला होता है, लेकिन ये फॉर्मूला वहां पर यूज किया जाता है जहां पर बीम का क्रॉस सेक्शन इस टाइप से बना हुआ होता है, रेक्टेंगल शेप में होता है। लेकिन यहां पर हमें क्वेश्चन में रेक्टेंगल शेप में नहीं दिया गया है, बल्कि दिया गया था रेक्टेंगल शेप में ही, लेकिन यहाँ पर एक रेक्टेंगल शेप में यानी 100x100 mm के साइज में से उस बीम को काट के निकाल दिया गया है। तो हम कह सकते हैं कि ये क्रॉस सेक्शन रेक्टेंगल में नहीं है आपका। क्यों? क्योंकि यहाँ पर 100x100 mm के शेप में, रेक्टेंगल शेप में ही काट के निकाल दिया गया है। तो ये आपका जो क्रॉस सेक्शन है बीम का, वो इस टाइप का नहीं है, इसलिए हम डायरेक्ट इस फॉर्मूला का यूज नहीं कर सकते। ऐसे क्वेश्चंस को लगाने के लिए हमें फॉर्मूला अपने से बनाना होता है। और मैंने स्टार्टिंग में ही आपको एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस का फॉर्मूला बनाना सिखाया हुआ था, बिल्कुल वैसे ही आज हम फिर से फॉर्मूला बना करके इसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो देखिए कैसे करेंगे। मैंने आपको बताया हुआ था कि जब भी हम एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस का फॉर्मूला बनाते हैं, कैसे बनाते हैं, कंप्रेशन एरिया का मूवमेंट इज इक्वल टू टेंसाइल एरिया का मूवमेंट, ठीक है। यानी कि दोनों जोन में, कंप्रेशन और टेंशन दोनों जोन में मूवमेंट इक्वल होना चाहिए। तो देखिए, यहाँ पर आपका ये न्यूट्रल एक्सिस है, इस न्यूट्रल एक्सिस के जो ऊपर का एरिया होता है उसे बोलते हैं कंप्रेसिव एरिया, और इस न्यूट्रल एक्सिस के नीचे का जो एरिया होता है उसे बोलते हैं टेंसाइल एरिया। तो हम क्या काम करेंगे यहाँ पर, कंप्रेसिव एरिया का मूवमेंट इज इक्वल टू टेंसाइल एरिया का मूवमेंट अबाउट न्यूट्रल एक्सिस। न्यूट्रल एक्सिस पे ही मूवमेंट लेंगे। तो यहाँ पर मैं लिखना चाहूँगा मूमेंट ऑफ कंप्रेसिव एरिया इज इक्वल टू मूमेंट ऑफ टेंसाइल एरिया। अबाउट न्यूट्रल एक्सिस, न्यूट्रल एक्सिस के अबाउट में हम यहां पर मूवमेंट लेंगे। एक चीज ध्यान से देखिए आप लोग, मोमेंट ऑफ कंप्रेसिव फोर्स नहीं लिखा मैंने यहाँ पर, कंप्रेसिव एरिया लिखा हुआ है। कंप्रेसिव फोर्स अलग चीज है और कंप्रेसिव एरिया अलग चीज है। अगर हम कंप्रेसिव फोर्स का मोमेंट निकालेंगे तो फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो जाएगा, और अगर हम कंप्रेसिव एरिया का मोमेंट निकालेंगे तो कंप्रेसिव एरिया इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो जाएगा। यानी मोमेंट का फॉर्मूला होता है फोर्स इनटू डिस्टेंस, लेकिन यहां पर हम फोर्स नहीं लेके चलेंगे बल्कि एरिया लेके चलेंगे, ठीक है। एरिया को कंसीडर करके यहां पे मोमेंट हम निकालेंगे, तो क्या हो जाएगा, एरिया इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ठीक है। तो
तो मोमेंट ऑफ कंप्रेसिव एरिया, तो ये देखिए ये आपका कंप्रेसिव एरिया है, टोटल कंप्रेसिव एरिया लेके चलिए क्या हो जाएगा, बीम के टॉप लेवल से लेकर के न्यूट्रल एक्सिस तक के डेप्थ को मान लीजिए एक्स है, ठीक है। देखिए दोस्तों ध्यान से समझना, यह है आपका न्यूट्रल एक्सिस और यह है पूरा कंप्रेसिव एरिया। हमें निकालना है कंप्रेसिव एरिया का मूमेंट, तो एरिया इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, यानी हम कंप्रेसिव एरिया लेके चलेंगे और डिस्टेंस जब लेंगे तो उस कंप्रेसिव एरिया के सेंटर से न्यूट्रल एक्सिस तक का डेप्थ ले लेंगे। और यहाँ पर हमें ध्यान ये देना है कि ये जो 100 mm बाई 100 mm के शेप साइज में इसे काट के निकाल दिया गया है वो से हमें माइनस कर देना है, ठीक है। तो हमें काम करते हैं, पहले इस पूरे कंप्रेसिव एरिया का मूवमेंट ले लीजिए और बाद में ये जो कटा हुआ पार्ट है इसका हम मूवमेंट माइनस कर देंगे, तो क्या हो जाएगा देखिए, ये पूरा लेंथ कितना है 100 + 100 + 100 यानी 300 mm, ये है आपका 300 mm ये हो गया, और इसका डेप्थ कितना है x, तो पूरा कंप्रेसिव एरिया कितना हो जाएगा आपका, कंप्रेसिव एरिया हो जाएगा 300 × x, ये तो हो गया आपका कंप्रेसिव एरिया इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। डिस्टेंस हम कहाँ से लेंगे, इस पूरे कंप्रेसिव एरिया के सेंटर से, ये जो मैंने एरिया लिया हुआ है इसके सेंटर से न्यूट्रल एक्सिस तक का डिस्टेंस। तो देखिए ये 300 बाई एक्स का जो कंप्रेसिव एरिया है इसका सेंटर मान लीजिए यहाँ पर है, तो ये सेंटर से यहाँ तक का डेप्थ कितना हो जाएगा, यही डेप्थ हमें लेना है। देखिए 300 बाई एक्स का ये जो कंप्रेसिव एरिया है इसका सेंटर पॉइंट मान लीजिए यहाँ पर है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक हमें डिस्टेंस लेना है, तो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, देखिए टॉप से लेके यहाँ तक डिस्टेंस कितना है एक्स है, तो ये कितना हो जाएगा एक्स बाई टू, तो यहाँ मैं लिखूँगा एक्स बाई टू। समझ में आया दोस्तों, ये हो गया टोटल कंप्रेसिव एरिया का मूवमेंट। अब हम क्या काम करेंगे, ये जो कटा हुआ भाग है इसे माइनस करेंगे, माइनस इसे माइनस कर दीजिए। अब हम इसका एरिया लेंगे, जो कटा हुआ ये पोर्शन है इसका एरिया लेंगे, क्या हो जाएगा 100 × 100, तो 100 × 100 ये हो गया एरिया। अब इसका मोमेंट लेना है, ये जो कटा हुआ पोर्शन है इसका मोमेंट लेना है, तो एरिया आपका ये हो गया। अब इस एरिया के सेंटर से न्यूट्रल एक्सिस तक का डिस्टेंस, तो ये जो कटा हुआ हिस्सा है इसका सेंटर पॉइंट यहाँ पर है, यहाँ से लेके यहाँ तक का हमें डेप्थ लेना है, तो ये डेप्थ कितना है आपका कैसे निकालेंगे, देखिए ये आपका 100 mm है, यहाँ से लेके यहाँ तक 100 mm है, तो ये 50 mm हो जाएगा यानी 50 mm, और ये 50 mm हो जाएगा, ठीक है। हमें चाहिए यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस चाहिए, तो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक x है, तो x में से 50 माइनस कर दीजिए, क्यों, क्योंकि ये 50 mm है ना आपका, यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा 100 mm है, तो 50 50 ये हो जाएगा, ऊपर से लेके नीचे तक x दिया गया है, इस x में से ये 50 माइनस कर दीजिए, तो हमें जो कटा हुआ पोर्शन है उसके सेंटर से न्यूट्रल एक्सिस तक का डिस्टेंस मिल जाएगा, तो ये डिस्टेंस कितना है आपका x माइनस 50 इज इक्वल टू मूवमेंट ऑफ टेंसाइल एरिया। मूवमेंट ऑफ टेंसाइल एरिया हमें पता है MAST d - x, जो पहले हम लोग फॉर्मूला यूज करते थे वही होगा आपका MAST d - x। फिर भी मैं बता देता हूँ कैसे होगा, मान लीजिए ये आपका स्टील बार यूज किया गया है और इसका एरिया है AST, तो क्या हो जाएगा, अब हम टेंसाइल एरिया में जो स्टील बार यूज किया गया है
उसका हम मोमेंट लेंगे। टेंसाइल एरिया में जो यहाँ पे कंक्रीट यूज किया गया है इसका, इसको हम कंसीडर नहीं करते हैं, जो स्टील बार यूज किया गया है बस उसी को कंसीडर करते हैं, क्योंकि कंक्रीट टेंसाइल लोड को बियर नहीं कर पाती है, केवल स्टील बार ही टेंसाइल लोड को बियर करती है, इसलिए हम कंक्रीट को कंसीडर नहीं करेंगे। तो स्टील का एरिया क्या हो जाएगा आपका, एएसटी। लेकिन जब भी हम एएसटी लेते हैं तो एम का मल्टीप्लाई कर देते हैं, एम क्या है, मॉडुलर रेशियो, इसे कंक्रीट के इक्विवेलेंट बनाने के लिए करते हैं, इनटू ये एरिया हो गया। अब इस एरिया के सेंटर से न्यूट्रल एक्सिस तक का डिस्टेंस लेंगे, तो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक कितना है, ये 500 में से x माइनस कर दीजिए, या हम कह सकते हैं इसी को क्या बोलते हैं, स्मॉल d बोलते हैं, या स्मॉल d दिया गया है आपका, स्मॉल d इज इक्वल टू 500, तो d माइनस x, d में से x माइनस कर देंगे, यानी जो हमारा फॉर्मूला है bx स्क्वायर अपॉन 2 इज इक्वल टू m ast d माइनस x, तो m ast d माइनस x इधर का बिल्कुल सेम रहेगा, केवल हमने कंप्रेसिव एरिया के मोमेंट में चेंजिंग हो गया है बस। अब इसे सॉल्व करके आप x का वैल्यू यहां से फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन में m का वैल्यू दिया होगा, क्वेश्चन में m का वैल्यू दिया होगा, और नहीं दिया होगा तो आप मान लेंगे अपने से 18 मान लेना या 13 मान लेना, ठीक है, वैसे क्वेश्चन में दिया रहेगा। चलिए सॉल्व करते हैं, तो ये हो जाएगा, इसे कैंसिल करेंगे 150 हो जाएगा, 150 एक्स स्क्वायर माइनस, अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, एम का वैल्यू 18, एएसटी कैसे निकालेंगे, देखिए 20 एमएम डाया का स्टील बार यूज किया गया है, 1 2 3 4 नंबर ऑफ बार कितने हैं, 4, तो कैसे निकालेंगे, 4 × π/4 × डाया का स्क्वायर, इस फॉर्मूले से हम एएसटी निकालेंगे, पाई बाई फोर इंटू डाया का स्क्वायर, और एन का मल्टीप्लाई कर देंगे नंबर ऑफ बार, यानी एन इंटू पाई बाई फोर इंटू डाया का स्क्वायर, डी माइनस एक्स, डी का वैल्यू है 500 माइनस एक्स, इसे सॉल्व कर लीजिए, ये हो जाएगा आपका 마이너스 में हो जाएगा आपका और ये प्लस में हो जाएगा, ठीक है। तो 150 एक्स स्क्वायर, ये माइनस में ये प्लस में, तो इन्हें हम माइनस कर देंगे, घटा देंगे इन्हें, तो ये आपका हो जाएगा माइनस 2800 एक्स, इसमें से इसे माइनस कर दीजिए, अब देखिए यहाँ पर आप ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो से कंपेयर करने पर क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर का जो कोफिशियंट होता है उसे ए का वैल्यू बोलते हैं, एक्स का जो कोफिशियंट होता है उसे बी का वैल्यू बोलते हैं, और बाकी जो कांस्टेंट होता है उसे सी बोलते हैं, ठीक है दोस्तों। अब यहाँ पर हम फॉर्मूला लगा देंगे, कौन सा, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac/2a, माइनस बी, बी का वैल्यू रखेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा आपका, ये बी स्क्वायर
-4 इंटू ए का वैल्यू हुआ 150 इंटू सी, सी का वैल्यू माइनस में रखेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। देखिए यहाँ पर b का वैल्यू माइनस में दिया तो माइनस का स्क्वायर प्लस, इसलिए मैंने नहीं लिखा यहाँ पे बाय 2a। इसे सॉल्व कर लीजिए, MM। ठीक है दोस्तों, 163 mm आ गया। चेक कर लेना आप इसे कैलकुलेशन में, कहीं हो सकता है मिस्टेक भी हो जाए, तो 163 mm आपका ये आ गया। ठीक है दोस्तों, तो क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका यही है पूरा। आप एक बार कैलकुलेशन चेक कर लेना, हो सकता है कैलकुलेशन में कहीं मिस्टेक हो भी सकता है, लेकिन आपका जो लगाने का स्टेप है, प्रोसेस है, वो पूरा बिल्कुल सेम रहेगा। ठीक है दोस्तों, फिर मिलेंगे अब नए लेक्चर में। जय हिंद, जय भारत।